आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। मतलब हमने अब तक जो भी फंक्शन के अपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, उन डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें कि क्या क्या उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज एक हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है। और अगर इस फंक्शन को अपने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में आता है एफ डैश एक्स। हमने कल स्लोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि इफ अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव आया था मतलब कि स्लोप जो आया था हमारे पास में पॉजिटिव आया था। देखो अगर ये हमारे पास में कर्व है, इस कर्व को देख के हम कह सकते हैं ना कि ये तो फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है। जैसे मैं यहां पे था, ये मैंने बोल दिया x1, ये हमने बोल दिया x3। x1 से जब हम x2 पे आ रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब x1 से x2 पे जा रहा हूं तो जो y आ रहा है, ये मेरे पास में y है, ये मेरे पास में y2। तो जब मैं x1 से x2 पे गया तो x में इंक्रीज हुआ, और वही करने पे y1 से y2 पे आ गया, मतलब कि फंक्शन का जो y है वो भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब होता है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट, अगर इन पॉइंट पे अपने ये बनाओगे टेंजेंट, तो देखो इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां जो टेंजेंट जो आएगी उसका स्लोप पॉजिटिव। मतलब अगर किसी फंक्शन में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर स्लोप आते हैं तो नेगेटिव में आते हैं। जैसे यहां पे हमने एक और बनाया ग्राफ, ये ऐसे वाला देखो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में x था, यहाँ पे मेरे पास हो गया x डैश। जो वैल्यू है x की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट जो वैल्यू ऑफ y है, ये पहले y था, एक यहाँ पे आएगा, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, तो ये देखो इसका एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि इसका जो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो जब स्लोप तुम्हारे पास और नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन जो हुआ वो है ना डिक्रीज कर। तो किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव करके, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके, किसी भी पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सही है, इसके एग्जांपल हमने किए थे वो क्लास में भी। चलो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक फंक्शन तुमको दे दिया fx x³ + x। ये हमने एक ना फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, मतलब x³ का डेरिवेटिव 3x² और x का डेरिवेटिव 1। तो अब बताओ स्लोप के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी ना ही जीरो हो सकता है ना ही तुम्हारे पास में है ना नेगेटिव हो सकता है। मतलब ये जो है ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि हमेशा नहीं भाई, या तो स्ट्रिक्टली बोल दो या फिर इसको ऑलवेज बोल दो, हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है। कभी तुम्हारे पास में ऐसा नहीं है कि आधे टाइम में इंक्रीज कर रहा है, आधे टाइम में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसका ना रिवर्स कर दूं, तो जैसे मान लो एक फंक्शन तुमको दे दिया fx = -x³ - x,
ठीक है, अगर इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, ये बन जाएगा माइनस, कॉमन ले लिया, 3x² + 1, ये कैसा होएगा, स्ट्रिक्टली अपना डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि स्लोप की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव है, नो मैटर तुम एक्स की वैल्यू क्या लेते हो, ठीक है ना। तो हम फंक्शन के स्लोप को देख के बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो इसको लिखो, ग्राफ बनाओ, अच्छा सा क्लियर, बाकी लोगों को भी लिखने दो, सबने लिख लिया भाई, सब हाँ 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 लिखो लिखो, लिख लिया, हो गया भाई सबका, नहीं सर, सर हो गया, हो गया सबका, चलो सर, हो गया। तो अगर देखो, अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए कि अगर इंक्रीजिंग जो ग्राफ है उसको है ना इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, हमने दो पॉइंट लिए, लेट्स टेक टू पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू, हमने पूरे ग्राफ में दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, इफ एक्स टू इज अब ग्रेटर देन एक्स वन, एक्स टू जो पॉइंट है वो एक्स वन से आगे है, सो इफ एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है, इफ एफ एक्स टू छोटा है एफ एक्स वन से तो फंक्शन हमारे पास ना डिक्रीजिंग, कोई ना, अगर मतलब x बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, सपोज एक हमारे पास में फंक्शन है जिसका हमने ऐसा ग्राफ बना दिया, ये एक फंक्शन है, यहां पे बोल दिया y, यहां पे हमने बोल दिया x, तो इसके अंदर हमें देखना है कि फंक्शन का स्लोप है वो कैसा है, ये सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स और हमें फंक्शन के बारे में एनालाइज करना है कि फंक्शन कैसा रहेगा, तो देखो ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, यहां से लेकर यहां तक मैं क्या रहा ऊपर जा रहा हूं ना, और कहां तक ऊपर जा रहा हूं, यहां तक, इसके बाद में क्या हुआ नीचे आना स्टार्ट कर दिया मैंने, राइट, तो बताओ ये पॉइंट मैंने लिया ए, ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, फ्रॉम ए टू बी फंक्शन में क्या हो रहा है इंक्रीज, ए टू बी हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स है वो कैसा आएगा पॉजिटिव। अब थोड़ा सा अपने नए नए मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे फंक्शन इंक्रीज कर, हम बोलेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और तुम देख भी सकते हो, देखो ना ऐसे बनेगी ना टेंजेंट इसके ऊपर, देखो मैं हर पॉइंट पे ऐसी टेंजेंट बन रही है, उसका एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में,
एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। फ्रॉम बी टू सी हमारा एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ये कर रहा है ना, नीचे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम बनाओगे टेंजेंट तो ऐसी बनेगी टेंजेंट, है ना, तो उसका एंगल देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है पूरा, ऑब्ट्यूस, ठीक है ना। देखो ऐसी बनेगी ना टेंजेंट, ये तो सबका एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है। फिर ये मैंने बोल दिया डी, सी टू डी हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, देखो हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है हर जगह और फंक्शन सी से डी में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास में तीन वो आ गए, कहते हो कि क्या सेक्शंस आ गए, तीनों सेक्शन में एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास में क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप जो है ना एफ डैश एक्स वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव। तो अगर किसी नंबर को पॉजिटिव से नेगेटिव में आना है तो कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा जीरो, उसके बिना कैसे आ जाओगे। तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर से तुम कहां पे आ गए, नेगेटिव नंबर्स में, तो विदाउट जीरो यू कैन नॉट रीच देयर, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा जीरो है वो पॉइंट ये वाला है, देखो इस पॉइंट पे ऐसे आएगी ना टेंजेंट। तो ये होता है कि एफ डैश एक्स कहां पर, यहां पर, ये कितना हो गया, जीरो। अब यहां पे आओ, यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव है और यहां पे एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव, यहां से लेकर यहां तक। तो अगर तुमको नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है तो भी हमारे पास एक पॉइंट तो आना चाहिए जीरो वाला, तो एक पॉइंट जीरो वाला वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि एट सी एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, जीरो। देखो ना यहां जो है टेंजेंट आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी ना ये वाली, तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे पास में इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो कौन से हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। क्योंकि मुझे पता है अगर ए टू बी इंक्रीज ही करना है तो ठीक है ना, ग्राफ को ऊपर ले जाओ, यही पॉइंट तो मुझे बताएगा कि कहां से तुमको कर्व को मोड़ना है। तो ये जो पॉइंट है इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी ग्राफ के अंदर जो है क्रिटिकल पॉइंट होते हैं हम बोलते हैं पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो, और ये हमारे इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि यहां पे आके जो हमारा ग्राफ है ना उसकी जो या तो इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, तो ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्रीज पॉइंट, या नहीं ओनली बी एंड सी। तो अगर यहां पे देखोगे इन गिवन ग्राफ बी एंड सी, देखो ना ये पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट बन गया, ये वाला मेरा क्रिटिकल पॉइंट बन गया, फाइन। देखो ना यहां पे स्लोप जीरो हुआ ना, क्यों, जहां स्लोप जीरो हुआ वहां पे फंक्शन ने अपना जो इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग वाला जो उसका नेचर था उसको उसने चेंज किया है। यहां से उसका इंक्रीजिंग वाला नेचर था लेकिन इसके बाद में कैसा बन गया, डिक्रीजिंग वाला। इस पॉइंट की बात करें इसके इस तरफ कैसा था अपना, डिक्रीजिंग वाला नेचर था, लेकिन यहां पे आने के बाद में कैसा हो गया, इंक्रीजिंग वाला नेचर हो गया। तो इसलिए इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट हमारे लिए थोड़े से क्रिटिकल है। अब फिर हमने किया डिफाइन मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी फंक्शन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा हम किसको बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर देखो इस फंक्शन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है फंक्शन की, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो हमारे पास इनफाइनाइट, बट हम क्या करते हैं इनफाइनाइट को अपने कंसिडर नहीं करते, ठीक है भाई, इनफाइनाइट हमको नहीं पता ना क्या होता है।
इसलिए हम बात करते हैं लोकल। ये हमारा है लोकल मैक्सिमा, ये हमारा लोकल मिनिमा। मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं बैठा हूं, मेरा जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो भी मुझसे छोटा है, और जो मैं राइट हैंड साइड वाला है वो भी मुझसे छोटा है। मैं यहां बैठा हूं, मेरे इधर वाला भी मुझसे छोटा है, इधर वाला भी मुझसे छोटा है, तो आई एम द बिगेस्ट। तो ये जो पॉइंट है बी, ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। और कौन सा मैक्सिमा, लोकल। भाई इसको नहीं पता ना कि आगे क्या हो रहा है ग्राफ में, इसने अपने आप को देखा, अपने इधर वाला भी छोटा है, इधर वाला भी छोटा है, तो हम क्या बन गए, मैक्सिमा। अब इसकी बात करें, इसने अपने यहां वाले को देखा, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखा, और अपने राइट हैंड साइड वाले को देखा, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी मुझसे बड़ा है, राइट हैंड साइड वाला भी मुझसे बड़ा है, तो मैं क्या बन गया, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। भाई इसको नहीं पता कि आगे ग्राफ में क्या हो रहा है। अगर तुम एब्सोल्यूट देखोगे, फिर हमारे पास में अगर मैं यहां पे लिखू ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना इनफाइनाइट, और एब्सोल्यूट अपना मिनिमा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। लेकिन हमको किससे मतलब है, इससे। तो देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, यहां पे ही तुम्हारे पास में मिनिमा या मैक्सिमा आ सकता है। कैसे, अगर सपोज तुमने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला, तो देखो इसके एक साइड वाला इससे बड़ा है, एक साइड वाला इससे छोटा है। क्यों, क्योंकि इस वाले सेगमेंट के अंदर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग था, तो मैं जहां बैठा हूं मेरे आगे वाला मुझसे छोटा ही रहेगा, मुझसे पीछे वाला मुझसे बड़ा ही रहेगा, तो इस पॉइंट में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पे आएगा, जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो मैक्सिमा मिनिमा विल अकर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसीलिए तुमने देखा होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो एग्जांपल किए थे, मैंने हमेशा एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया था, फिर उसको जीरो किया, उस पॉइंट में इंटरेस्टेड था मैं। क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मिनिमा एंड मैक्सिमा नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि वो तुमको मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, ये वाला एक्स नॉट, एक्स नॉट डैश। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे आएंगे ना, वो ये वाले आएंगे, एक्स नॉट एंड एक्स नॉट डैश। नहीं, मिनिमा मैक्सिमा अलग अलग हो सकते हैं। तो इसने बताया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, इसने बताया इस पॉइंट पे मिनिमा आएगा, लेकिन मिनिमा मैक्सिमा कितना होगा वो मुझे कौन बताएगा, वाई, राइट। तो हमने देखा कि विल बी एट अ क्रिटिकल पॉइंट, तो अब क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक है। अब एक बार के लिए फंक्शन को भूल जाओ, फंक्शन के अब डेरिवेटिव पे आते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो मेरा एफ डैश एक्स था वो कैसा था, पॉजिटिव। यहां से लेकर यहां तक जो मेरा एफ डैश एक्स था वो पॉजिटिव था, और यहां से लेकर यहां तक जो मेरा एफ डैश एक्स था नेगेटिव था। तो जस्ट टॉक अबाउट द एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर क्या हो गया, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना एफ डैश एक्स। देखो तो अगर मैं बात करूं कि एट मैक्सिमा, भाई अगर इसी ग्राफ में देखो तो मेरे पास जो मैक्सिमा है वो पॉइंट ये वाला है, इससे पहले जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव, यहां पर कैसा बन गया, जीरो, और यहां पे एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो अब सिर्फ हम बात करते हैं एफ डैश एक्स के, एफ डैश एक्स पहले था पॉजिटिव, फिर हुआ जीरो, और फिर हुआ नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं ना कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है ना, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ठीक है। और कोई फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव।
तो मतलब कि अगर इस ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो मतलब कि f अगर डबल डैश x वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जो फंक्शन जो आया ना डेरिवेटिव का फंक्शन आया उसी को मैंने क्या कर दिया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में f डबल डैश x जो है वो आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब कि वो वाला जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट आ जाएगा, मैक्सिमा वाला। अगर इसी का रिवर्स कर दे हम, मिनिमा पे आए तो क्या बन जाएगा, मिनिमा पे क्या हो रहा है, डबल डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो f डैश x है वो कैसा है, पॉजिटिव f डैश x नहीं और नेगेटिव। देखो ना यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, जीरो। यहाँ पे कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो जो हमारा मिनिमा वाला पॉइंट है, एट मिनिमा एफ डबल डैश एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, स्लोप वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है। पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर क्या बन गया, पॉजिटिव। तो हमको इनको भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो एक बार लिखो, फिर अपने इसका एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। सर क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अलग है। नहीं अरे मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो, मतलब हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, हम तो उन्हीं को स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको और इसको ही पढ़ा ना, इनको तो नहीं पढ़ा मैंने बीच वालों को। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट तो अपने लैंग्वेज में बोला है मैंने, फिजिक्स की लैंग्वेज में उनको भी क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं। तो बी एंड सी क्रिटिकल पॉइंट्स है या x नॉट एंड x नॉट डैश? बी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा एक y कोऑर्डिनेट होगा, राइट। हाँ सर। तो मैं कहूंगा इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मुझे बताएगा कि इस वाले x कोऑर्डिनेट पे कुछ तो है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। तो इसको बोला पॉइंट, इसको बोला उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हो गया, हो गया। बाकी लोग? यस सर हो गया। yes. जिसका नहीं हुआ वो बताओ ना यार। ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ? सर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज वाई। हाँ, जो वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट पे वो मुझे बताएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, छोटी है कि बड़ी है। यस, हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। देखो एग्जांपल से करते हैं, मजा आएगा। अभी दो तीन एग्जांपल करेंगे एकदम अच्छे से आ जाएगा समझ। सर हम f डबल डैश x निकाल रहे हैं, उसका मतलब हम स्लोप ऑफ स्लोप निकाल रहे हैं। यस, मतलब मैं स्लोप के फंक्शन को एनालाइज कर रहा हूं कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने लिया है क्वाड्रेटिक, लेते हैं ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है तुमको। एक फंक्शन दिया हुआ है fx equal to x2 minus 2x plus 4। ये मान लो एक फंक्शन है तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक है, बताओ इसके क्या पे रूट्स आएंगे, इसके रूट्स क्या है? माइनस रियल रूट्स। हाँ,
रियल रूट्स नहीं आएंगे टेंस के है नहीं हाँ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी नेगेटिव आ गया यार इसका तो चलो यहाँ पे वन कर दो अब तो हो जाएंगे चलो yes. ठीक है ओके okay. अब सपोज तुमको बोल दिया कि इस फंक्शन को एनालाइज करो हमको इसको एनालाइज करना है मतलब कि इसका पूरा ग्राफ बनाना है तो हमने पहले अपने ये बना दिया एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई ठीक है तो सबसे पहले हमने निकाला इसका एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा इसका टू एक्स माइनस टू टू अब चेक करो कि एफ डैश एक्स कहां पे जीरो हो रहा है तो कहां पे जीरो होगा टू एक्स माइनस टू ये मुझे बताए ये मुझे बताएगा कि x इक्वल टू वन ठीक है तो हमने बोल दिया कि x इक्वल टू वन हमारा क्या बन गया क्रिटिकल पॉइंट राइट हम x इक्वल टू वन में इंटरेस्टेड हैं अब करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं ठीक है ना तो ग्राफ बनाने के लिए हमको तीन चार पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं अगर इसमें x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दूंगा तो क्या बनेगा इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट तो जो मेरा ग्राफ है वो यहां जाना चाहिए ठीक है और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालूंगा तो भी इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव है ना क्योंकि स्क्वायर हो गया तो ग्राफ को यहां से जाना है और यहां पे आना है ठीक है कैसे और x इक्वल टू अपने जीरो पे कितना आएगा वन x इक्वल टू जीरो पे कितना है वन ये आ गया फाइन अब देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलता है क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहा है कहां पे आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू वन पे मतलब x इक्वल टू जो वन है वो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो लाइन है इसको हमने बोल दिया x इक्वल टू वन और देखो x इक्वल टू वन पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा वन जीरो जीरो मतलब कि यहां पर तो इस पॉइंट से उसको पास होना ही है और मुझे यह भी पता है कि इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो ध्यान ना x इक्वल टू वन पे स्लोप की वैल्यू कितनी है जीरो अब x इक्वल टू वन से पहले व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन वन तो मेरे पास में f डैश x की वैल्यू कितनी है f डैश x इज नेगेटिव कब When x is less than one. देखो ना जब x की वैल्यू वन से छोटी आएगी तो हमारे पास क्वांटिटी कैसे आएगी नेगेटिव मतलब तुम्हारा फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग राइट मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो कैसा है डिक्रीजिंग f dash x is positive कब when x is अपना greater than one देखो ना जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी अब फंक्शन को क्या करना है ऊपर जाना है तो फंक्शन अगर ऊपर जाएगा तो फंक्शन मेरे पास में ऐसे जाएगा और f डैश x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू वन तो देखो ये हो गया ना मेरे पास अगर इस पॉइंट पे अपने टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी तो ये हमारे पास में ग्राफ बन गया अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू वन ये कैसा पॉइंट है मिनिमम वाला पॉइंट है कि मैक्सिमम वाला पॉइंट है मिनिमम भाई क्यों तुमने देखा इसके जो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इससे बड़ा है और जो राइट हैंड साइड वाला इससे बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमम और इस वाले स्पेसिफिक ग्राफ पे ये वाला पॉइंट अबे ये पॉइंट तो वो है ना कि x इक्वल टू अपने जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है वन आ रही है ना तो मुझे ग्राफ है ना बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी ना कि y एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करेगा ये देखो इस वाले पॉइंट के अंदर तुम बोल सकते हो कि x इक्वल टू वन पे तुम्हारे पास में कैसा आएगा ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट क्योंकि सब कुछ यही है जो भी है अगर मैं इसको एफ अपने डबल डैश वाले मेथड से देखता तो ये मेरा आ गया ना ये फंक्शन आ गया एफ डैश एक्स अगर मैं फिर से करूं इसको एफ अपने डबल डैश एक्स तो क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव टू टू
और ये जो 2 है ये कैसा है? पॉजिटिव। तो बताओ जब f अपने डबल डैश पॉजिटिव आता है तो हमारे पास में क्या बनता है? मिनिमा, हमने लिखा था ना, क्योंकि देखो ये यहाँ पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप जीरो। तो स्लोप जो फंक्शन है, स्लोप पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि स्लोप का जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि मिनिमा। तो हम बोलेंगे इसके अंदर कि x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, और अगर तुमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी f ऑफ 1। भाई फंक्शन के अंदर डाल दो तुम 1, तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? 0। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस, या तो पूछे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर वो पूछता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब क्रिटिकल पॉइंट वही है, मतलब x इक्वल टू 1, भाई हमको इंडिपेंडेंट अपने वेरिएबल की फॉर्म में बताना है ना कि कौन सा पॉइंट तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है, हमारा x इक्वल टू 1, कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ एंड मिनिमा है, अपना x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हम इसको निकालेंगे, fx को निकालेंगे, क्योंकि आंसर हमको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में देना है। हाँ, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देना है तो ऐसे दे दोगे, वो 1, 0। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली पूछता है तो x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। लिखो इसको, बनाओ। बना लिया सर। बना लिया? नहीं सर, वेट सर। बना लिया सर। जिसका नहीं हुआ है वो बोलो कि सर नहीं हुआ है। यस सर, वेट सर। की वैल्यू फंक्शन में आया नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, एक मिनट। अरे तुमसे ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। हेलो सर। हाँ, आपने इधर लिखा f dash x is negative, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है जहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। अगर f dash x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन तो कंटिन्यूसली अपने डिक्रीज ही कर रहा है, उसने अपना नेचर कहां चेंज किया? कहां चेंज किया? यहां पर। पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज करने लग गया, ये है ना पॉइंट ऑफ अपना चेंज। तो जो पॉइंट ऑफ चेंज है उसको बोलते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट। ओके सर। सर इसको, हाँ, इस सिचुएशन में मैक्सिमम नहीं है ना? है ना, इनफाइनाइट ग्लोबल मैक्सिमा है। ओके सर, लोकल नहीं है। हाँ, लोकल नहीं है इसके अंदर। तो कंपल्सरी नहीं है कि, हाँ हाँ अबे इसके तो अपने खूब सारे सम करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ इसी के लिए पढ़ा था, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स के अंदर हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे सपोज तुम्हारा फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तुमसे पूछेंगे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो पहले फोर्स का फंक्शन निकालोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो करोगे, फिर तुम्हारे पास में मैक्सिमा आएगा। तो हमने पूरा डिफरेंशिएशन जो पढ़ा वो मैक्सिमा निकालने के लिए ही किया था बस। तो हमारे काम की चीज तो यही है। हाँ भाई, हो गया पूरा सर? हाँ, वो f डबल डैश x 2 आया तो पॉजिटिव आया तो मिनिमा आएगा। यस, तो हाँ, तो यहाँ पे देखो ना उस पॉइंट पे मिनिमा है मेरे पास ना। तो सर वो f डबल डैश x नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा आएगा। यस, मैक्सिमा आएगा। तो जरूरी है कि सिर्फ मिनिमा ही आएगा, दोनों नहीं आएगा? आएंगे, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन का ऑर्डर कितना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मिनिमा भी आएगा मैक्सिमा भी आएगा। ठीक है सर। जैसे कल जो हमने एक
क्वेश्चन किया था एफ डैश एक्स क्या था एक्स क्यूब बाई थ्री क्या था माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x क्या था या फिर 3x किया था 2x प्लस 1 ठीक है इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है प्लस 4 तो, हेलो प्लस 4 कर लो यार ठीक है ये लो ये हमने ग्राफ बना दिया तो हम पूरा ग्राफ बाद में बनाएंगे पहले जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है हम उनको करेंगे ड्रॉ तो ये तो मुझे पता है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालूंगा तो क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट क्योंकि पावर क्यूब है तो जो मेरा ग्राफ है यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर जाएगा क्योंकि पावर कैसा है क्यूब अब इसको मैंने निकाला f डैश x तो f डैश x क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू नहीं यार ये नहीं था ना यहां भी अभी माइनस ही था शायद ठीक है ना एफ डैश एक्स आ गया हेलो यस सर आ गया सर अब हम करते हैं फोर क्रिटिकल पॉइंट हमको पता है कि एफ डैश एक्स को क्या होना चाहिए जीरो तो हमने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को हमने कर दिया जीरो तो ये बनेगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन तो दीज आर माई अब क्रिटिकल पॉइंट्स ये दो ऐसे नंबर्स हैं जहां पे जो ग्राफ है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा कुछ भी होगा ये थोड़े से इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट है फिर हमने क्या कर दिया फंक्शन का फिर से कर दिया डेरिवेटिव ये तो फंक्शन था ना इसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया एफ अपन डबल डैश एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स और एक्स का माइनस वन और अब चेक करते हैं एफ जो अपने डबल डैश एक्स कहां पर टू पे क्या आएगा टू के ऊपर फोर माइनस वन थ्री तो कैसा बन गया पॉजिटिव देखो ना अगर एफ अपने डबल डैश एक्स के फंक्शन में टू को पुट करूंगा तो कैसा बन जाएगा पॉजिटिव मतलब कि इस पॉइंट पे क्या आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा और अगर मैंने निकाला एफ अपन डबल डैश एक्स कहां पर माइनस वन पे तो कैसा आएगा माइनस माइनस तो ये बन गया नेगेटिव तो ये क्या बन गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अब देखो तुमने फंक्शन यहां से स्टार्ट किया ना इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट तो ऑलरेडी क्या है तुम्हारे पास में मिनिमा है तो इसके बाद तो क्या आना पड़ेगा मैक्सिमा ही आना पड़ेगा ना भाई तुम ऑलरेडी मिनिमा में हो तो अपने मैक्सिमा पे जाओगे ना पहले तो देखो तुम्हारे पास में पॉइंट कौन से आया मतलब x इक्वल टू माइनस वन एंड टू तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू माइनस वन ये मेरे पास में हो गया टू तो इस पॉइंट पे तो मेरे पास में क्या आना पड़ेगा मैक्सिमा इस पॉइंट पे मेरे पास में आना पड़ेगा मिनिमा ठीक है अब देखते हैं कि x इक्वल टू वन नहीं माइनस वन और टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है ठीक है तो देखो यहां से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं तो मैंने कैलकुलेट किया एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा एफ ऑफ माइनस वन बाई माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू थर्टी वन बाई सिक्स कितना आया थर्टी वन बाई सिक्स और फिर मैंने कैलकुलेट किया एफ ऑफ टू ये क्या आया था टू बाई थ्री टू बाई थ्री अब इतना ही आया था क्या ठीक है yes, तो मतलब इसके ऊपर तो फंक्शन यहां जाना चाहिए और इसके ऊपर फंक्शन यहां आना चाहिए और जब x की वैल्यू जीरो है तो फोर ठीक है तो अब मुझे बताओ जब मेरे पास x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है माइनस वन से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो हमारा स्लोप कैसा बन गया पॉजिटिव मतलब सर आई कोऑर्डिनेट वहां पे नेगेटिव कैसे हो गया क्या हां नहीं सर आई कोऑर्डिनेट टू के लाइन को थोड़ा ऊपर होगा ना हां सर मतलब अच्छा हां हां यहां पर
ठीक है, तो मुझे यहां से फंक्शन को स्टार्ट करना है। तो देखो फंक्शन मेरा ऐसे स्टार्ट होगा, फंक्शन मेरा यहां से गया, यहां पे स्लोप को मुझे क्या करना है, जीरो, और फिर ये हमारे पास में अपने बन गए ग्राफ। देखो यहां से लेकर यहां तक स्लोप कैसा आएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहां पे हमारा स्लोप कैसा हो गया, जीरो। यहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव। यहां पर क्या बन गया, एफ डैश एक्स जीरो, और यहां पर एफ डैश एक्स वापस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हम बोलेंगे कि x इक्वल टू माइनस वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू माइनस वन जो है वो पॉइंट है कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आएगा। और अगर हम बोले कि वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या बन जाएगी, वैल्यू 31/6। वैसे ही अगर मैं इस वाले में आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू टू इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो ना, इसके यहां वाला भी इससे बड़ा है और यहां वाला भी इससे बड़ा है। और हम बोलेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितने बन जाएगी, 2/3। तो मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया भाई? तो हमें क्या करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले फंक्शन को लिखना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद में हम देखेंगे कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव है वो कहां पे जीरो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने चेक कर लिया कि यहां पे जीरो हो रहा है, ये हमारे पास में आ गया अपने क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम निकालेंगे उसका एफ अपना डबल डैश एक्स, फिर देखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स कहां पॉजिटिव आ रहा है कहां नेगेटिव आ रहा है। जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वो मेरे पास बन जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, जहां पे नेगेटिव आ रहा है वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फंक्शन को फिर अपने बना देंगे। ठीक है, कर लोगे? अच्छा तो सर, हाँ, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है वही मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। हाँ, लोकल। तो फिर ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में क्या फर्क है? मतलब भाई यहाँ पे अपना ग्लोबल तो इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट पे आई कैन नॉट रीच। अच्छा, है ना? तो देखो जैसे जो तुम्हारा लेक्चर फोर है उसका जो लेक्चर फोर के अंदर करना क्वेश्चन 1, 2, 3। ठीक है, होमवर्क। क्वेश्चन 1, 2, 3 बस इतना ही। ठीक है, बाकी जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है उसको एक बार हम रिवाइज करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जांपल दिए हुए हैं 3-4। और मैक्सिमा मिनिमा के जो है वेरिएशन है वो बहुत सारे हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि और भी अपने कॉम्प्लिकेटेड सम होते हैं। यहां तो हमको फंक्शन वगैरह दिया हुआ था F, okay, what is the use of F अपने double dash x, right? F
डबल डैश एक्स मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, दैट्स इट, और कोई यूज नहीं। हम इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई अब जरूरत नहीं है, तुम सीधा वैल्यूज फाइंड आउट करो, तुमको पता है यहां से नेगेटिव है यहां से पॉजिटिव है, तो उसके बिना भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया, पावर मान लो 100 है, तो हम सिर्फ इतना बता देंगे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्राफ कैसे बनाओगे उसका, इसलिए ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नहीं है? हाँ हो सकता है, y equal to x, स्ट्रेट लाइन, बताओ ना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो एकदम स्ट्रेट गई बस, ना उसके अंदर मिनिमा आया ना उसके अंदर मैक्सिमा आया, तो उसका मिनिमा कितना है, माइनस इनफाइनाइट उसका मिनिमा है और प्लस इनफाइनाइट उसका मैक्सिमा है। ओके सर, ठीक है ना, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये बना दी, ये लो, तो इसके अंदर क्या तो मैक्सिमा क्या मिनिमा, इसके अंदर कुछ नहीं। सर सारी लीनियर इक्वेशंस में कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता? हाँ सारी लीनियर इक्वेशंस में कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। भाई देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर वन, नहीं नहीं उसका स्लोप कॉन्स्टेंट, स्लोप कॉन्स्टेंट मतलब की एक्स की पावर वन, जब x की पावर 1 का भी डेरिवेटिव करोगे तो x तो खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो या तो वो है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा या स्ट्रिक्टली अपना डिक्रीजिंग आएगा, तो उसके अंदर में इनफाइनाइट भी आएगा और माइनस इनफाइनाइट भी आएगा, दोनों आएंगे हमेशा, तो इनफाइनाइट उसका मैक्सिमा है माइनस इनफाइनाइट उसका मिनिमा है। ठीक है ओके सर। अरे ठीक है यार इतना मत सोचो, ये कर दो, ये लो x प्लस 2। अब ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है उसके अंदर मिनिमा मैक्सिमा जो होंगे वो इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। हाँ तो लेकिन स्ट्रेट लाइन को पढ़ना क्यों, स्ट्रेट लाइन तो बहुत इजी है, वो तो मैं ऐसे बता दूंगा। हाँ हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो ग्राफ होते हैं उनको एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है तो ये क्वेश्चन करो, ये हो गया लिख लिया? yes. चलो ठीक yes, है आज के लिए इतना ही। ओके सर थैंक यू सर। हाँ